सेशन और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, तो आप सभी लोग जल्दी से जो है जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को लिंक को भी शेयर कर दें और यहाँ पे आपको आंसर भी करना होगा, लाइव सेशन चल रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना एफिड्स इज। तो यहाँ पे आपको जो है साइंटिफिक नेम बताना है किसका, बनाना एफिड्स का। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सेकंड जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, पेंटेलेनिया जो है नाइग्रो नर्वोसा इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट पैरेलल स्ट्रेक्स अलॉन्ग लीफ एक्सिस इन राइस इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ। तो यहाँ पे जो है आपको ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स के सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं वो किस में दिखाई देते हैं, तो आंसर यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके हैं। सेकंड आया है अर्पिता सरकार, सुधा ने आंसर किया ऑप्शन सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन का अब आप लोग आंसर करें यहाँ पे जल्दी से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पर और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर वो आपका सेकेंड ही होगा। यहाँ पर एक बार फिर से सेकेंड, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन राइस विच इंसेक्ट कॉजेज एलोइंग एंड ड्राइंग ऑफ प्लांट लीडिंग टू कंडीशन नोन एज हॉपर बर्न। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है सेकंड और थर्ड, अरुण कुमार सुधा थर्ड, अरुण कुमार सेकंड आंसर मार्क कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या होगा। ये जो है यहाँ पर हॉपर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट आंसर है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, तो आंसर कर लेते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। तो आंसर यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन फोर्थ होगा, फर्स्ट एंड सेकंड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ को यहाँ पर आपको मार्क करना है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड दोनों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबलिंग ऑफ राइस ईयर हेड एंड डेफ्लोएशन लीविंग मिड रिब इन राइस इज कॉज्ड बाई, ये जो है किसके कारण हो जाता है, निबिंग ऑफ राइस ईयर हेड एंड जो है डेफ्लोएशन लीविंग मिड रिब इन राइस, ये किसके कारण, फोर्थ का फर्स्ट आंसर आ रहा है। ओके, तो चलिए आंसर करते हैं, देखते हैं सभी लोग आंसर करते रहें और अपने दोस्तों के साथ में लिंक को शेयर भी कर दे दोस्तों, और सेशन को लाइक भी करना नहीं भूलना है क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे भी जो है थोड़ा लगता है कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो और भी अच्छा करें आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, तो आंसर तो इस क्वेश्चन का जो होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइस ग्रॉस हॉपर इज़ अ राइट आंसर। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन फर्स्ट सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैडी द एलोकेशन ऑफ लीफ सेट when infested by gall fly is due to a chemical known as, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आंसर आ रहा है थर्ड, और आगे से मैं जो है क्वेश्चंस को मैं हिंदी में भी लेकर आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हिंदी भी इसमें इसी में ऐड कर दूँगा। तो आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का, तो आंसर यहाँ पर थर्ड आंसर आ रहा है। तो फ्रेंड्स आंसर जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार स्टेम बोरर कॉजेज गेट हर्ट इन अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप, रेडनिंग ऑफ सार्गम मिडरिब एंड होल्स ऑन द वॉल्स ऑफ न्यूली ओपन लीव्स बिलोंग्स टू फैमिली। जो आपका ज्वार स्टेम बोरर के जो कॉजेज होते हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का यहाँ पर आंसर। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे जो है आपका होगा ऑप्शन फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, इन राइस क्लिपिंग ऑफ टिप सीडिंग बिफोर ट्रांसप्लांटिंग इज डन टू एलिमिनेट
एग मासेज ऑफ, चलिए आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, यहाँ पर आप सभी का जो है आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, तो आंसर अब फर्स्ट आ रहा है, तो सही है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि राइस जो राइस में क्लिपिंग क्लिपिंग ऑफ टिफ सीडिंग होता है बिफोर ट्रांसप्लांटिंग, वो और ये क्या करता है एग के जो मासिस को क्या करता है एलिमिनेट करता है, तो यहाँ पर जो है कौन सा करता है वो एलो स्टेम बोरर के से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड हर्ट इन द वीट सेंट्रल सूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, यहाँ पे फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है सूट लिखा होगा, ओके इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ डेड हर्ट इन वीट सेंट्रल सूट, जो सेंट्रल सीट जो डेड हर्ट वीट में ये होता है, तो ये जो ये सिम्टम्स दिखते हैं, तो यहाँ सिम्टम्स ऑफ किसके, टर्माइट्स का होगा या फिर स्टेम बोरर या ग्रीन प्लांट बग या ऑल ऑफ द एबव, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 आ रहा है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर, तो फ्रेंड्स आंसर जो है यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन 2 स्टेम बोरर, स्टेम बोरर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 विच इंसेक्ट फीड्स ऑन सिल्क एंड डेवलपिंग कॉप्स ऑफ मेज, कौन सा इंसेक्ट जो है ऑन सिल्क एंड डेवलपिंग कॉप्स ऑफ मेज, सिल्क में और जब मेज के जो है कॉप्स डेवलप हो रहे होते हैं तो उसमें जो है वो क्या वो इंसेक्ट क्या करता है फीड्स उस पर हो रहा होता है, तो यहाँ पर आंसर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9 का, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पर, तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन द बेस्ट विच अटैक बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज ऑफ पल्सेज इज, कि आज जो है थोड़ा सब फ्रेंड्स जो है आज थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, द पेस्ट यानी कि उस पेस्ट का आपको नाम बताना है जो कि अटैक करता है फील्ड पर भी वो अटैक करता है, और जब फील्ड जब क्रॉप जो है आपकी फील्ड में होती है तब भी, और आपका जो है ये जब इसे हम स्टोर करते हैं उस पर भी जो है पल्सेज में क्या करेगा अटैक करता है, तो उस का आंसर करना है, तो आंसर यहाँ पर आ रहा है 1st और 3rd, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो है आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो फ्रेंड्स आंसर यहां पे जो है आपका होगा ऑप्शन 1st जो है राइट आंसर होगा यहां पर, और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 जो है रह गया था, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दें साथ में कि इन ग्राम सर्कुलर बोर होल्स ऑन पॉड्स प्लग्ड बाय द हेड ऑफ अ लार्वा इज रिलेटेड विद, क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर करें आप ये, तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका ऑप्शन 1st होगा ग्राम पॉड बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रब्स विच फीड ऑन द इनर कंटेंट ऑफ सीड इन पल्सेस बिलोंग्स टू, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर इनर कंटेंट ऑफ सीड्स इन पल्सेस बिलोंग्स टू, ये यानी कि ग्रब्स विच फीड ऑन द इनर कंटेंट, जो इनर कंटेंट होता है ऑफ सीड्स का जो होता है वो पल्सेस जो होती हैं वो बिलोंग्स करती हैं कौन, जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से उन चार एक ऑप्शन का मार्क करना है जो कि इनसे क्या करता है बिलोंग करता है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर, तो आंसर यहाँ पर जो है आपका होगा ऑप्शन 2 जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियोफाइट माइट बिलोंग्स टू फैमिली, ओके 13 का आंसर यहाँ पर करें आप सभी लोग, एरियोफाइट माइट्स जो होते हैं बिलोंग्स टू फैमिली, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनकी फैमिली क्या है, तो इस आंसर यहाँ पे जो है आपको करना है, तो आंसर यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग जल्दी से करें कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो आंसर जो है आपका इस क्वेश्चन का 3rd होगा यहाँ पर राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका क्या है ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
विल्टिंग ऑफ ग्राउंडनट प्लांट इन पैचेस विद डैमेज रूट्स इज कॉज्ड बाय विल्टिंग ऑफ ग्राउंडनट प्लांट्स इन पैचेस विद डैमेज रूट्स इन कॉज्ड बाय, तो ये किसके कारण जो है ये डैमेज होते हैं, जो रूट्स जो होते हैं डैमेज रूट्स होते हैं और जो विल्टिंग ऑफ ग्राउंड होता है किसकी वजह से, तो आंसर आ रहा ऑप्शन फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट को मार्क कर रहे हैं वो सभी लोग सही हैं, तो फर्स्ट आंसर जो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है द मस्टर्ड सॉ फ्लाई लेज एक्स नियर, द मस्टर्ड सॉ फ्लाई ले एक्स नियर, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर कह रहे हैं क्या होगा, फ्लावर होगा, लीफ मार्जिन, सॉयल सरफेस या फिर रोड्स, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन सेकंड जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा यहां पर। और देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लार्वे ऑफ कैस्टर सेमी लूपर फीड ग्रेगेरियल्स ग्रेगेरियसली एंड डेफोलिएट द प्लांट्स बिलोंग्स टू फैमिली, क्वेश्चन नंबर 16 जो लार्वा ऑफ कैस्टर सेमी लूपर फीड्स होता है और डेफोलिएट द प्लांट्स बिलोंग्स टू फैमिली, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहां पर जो फ्रेंड्स आपका होगा यहां पर आंसर आ रहा है फर्स्ट, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसका आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, और सॉरी माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन थर्ड होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्लिंग ऑफ लीफ अपवर्ड एंड एलोइंग ऑफ टर्मिनल कॉटन सूट्स इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ, 17 का आंसर करें जल्दी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 17 है आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैट स्क्वायर इज द डैमेज सिम्टम्स ऑफ, फ्लैट स्क्वायर जो है ये डैमेज सिम्टम्स किसका है, एरियल विटेल का या फिर हेलिको कवरपा आर्मी गेरा, आंसर आ रहा ऑप्शन फर्स्ट। ओके तो चलिए देखते हैं आंसर इस क्वेश्चन का, तो आंसर यहां पर जो है आपका ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, जिन कैंडिडेट ने ऑप्शन फर्स्ट को मार्क किया वो सभी लोग बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है द बॉल वॉर्म विच कवर्स द ओपनिंग वंस इट एंटर्स इन टू द बॉल इज, ओके 19 का आंसर करें यहाँ पर, 19वें का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करें आप सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका आंसर है वो होगा यहाँ पे, इसका जो है सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेनिंग ऑफ द कॉटन फाइबर, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेनिंग ऑफ कॉटन फाइबर के लिए, कॉटन फाइबर के लिए कौन सा जो है बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन थर्ड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका अमेरिकन बॉल वॉर्म कंट्रोल्ड बाय रिलीज ऑफ प्रीडेटर, अमेरिकन बॉल वॉर्म कंट्रोल्ड बाय रिलीज ऑफ प्रीडेटर, तो ये जो है कंट्रोल होता है किसके द्वारा, क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करें आप सभी लोग कि 21 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका 21 जो है आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, बिल्कुल सही है अर्पिता आपका आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर, जितने लोग ऑप्शन फर्स्ट को मार्क करें सभी लोग सही हैं।
बंची टॉप अपेयरेंस इन ग्रोन अप शुगर कैन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ साइड सूट्स इज कॉज्ड बाय, इस क्वेश्चन का आंसर करें। और आप सभी लोग पीडीएफ फाइल के लिए एग्जाम गुरु जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, एवरीडे मैं वहां अपलोड कर देता हूं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इम्पॉर्टेंट बुक्स की भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इम्पॉर्टेंट बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं। क्योंकि तो आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन सेकंड, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रिपिंग ऑफ शुगर कैन लीव्स मिनिमाइज द अटैक ऑफ, स्ट्रिपिंग ऑफ शुगर कैन लीव्स, जो स्ट्रिपिंग ऑफ शुगर कैन होता है वो लीव्स को जो मिनिमाइज क्या करता है, अटैक्स ऑफ किसके, यानी कि किसके अटैक को क्या करता है वो मिनिमाइज कर देता है, मिलीबग या फिर पायरेला अर्ली सूट बोरर या टॉप सूट बोरर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो 23 का फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर जो है आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 24th, शुगर कैन लीफ हॉपर इज कंट्रोल्ड बाय द रिलीज ऑफ लेपिडो टेरन या पैरासिटॉइड। तो क्वेश्चन नंबर 24th आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24th का आंसर। तो यहाँ पे आंसर जो है फ्रेंड्स आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कल्टेनाइजेशन ऑफ टोबैको लीव्स इज कॉज्ड बाय, जो स्कल्टेनाइजेशन ऑफ टोबैको होता है लीव्स में, टोबैको की लीव्स में, वो किसकी वजह से होता है। तो चार ऑप्शन दिए, इन चार में से आपको जो राइट है आंसर वो मार्क करना है। तो आंसर यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो टोबैको का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका टोबैको कैटरपिलर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन थर्ड हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे टी सेव्ड मार्किंग ऑन मार्बल साइज्ड मैंगो फ्रूट एंड एट लेटर स्टेज फीडिंग ऑन साइटो कॉटिलेडन्स इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से सभी लोग आंसर करना स्टार्ट करें इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आंसर जो है आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन थर्ड जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमन बटरफ्लाई क्या है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन फर्स्ट आ रहा था, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करें आप सभी लोग कि 27 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आंसर जो है यहाँ पर 27 का देखते हैं। तो फ्रेंड्स 27 जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सेकंड थर्ड आ रहा है, थर्ड बार आ रहा है, और सोलंकी सेकंड, अंकिता थर्ड, सुधा थर्ड। तो आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैगिंग ऑफ अनार फ्रूट्स विद पॉलीथीन कवर इज डन टू अवॉइड डैमेज फ्रॉम, अनार यानी कि पोमेग्रेनेट की बात हो रही। तो यहाँ पर जो है बैगिंग ऑफ अनार फ्रूट्स विद पॉलीथीन कवर इज डन टू अवॉइड डैमेज फ्रॉम, ये किस के डैमेज को क्या है करता है, अवॉइड करेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28, काफ़ी क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इजी है क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद आप सभी को आंसर पता होगा इस क्वेश्चन का। आंसर यहाँ पर सेकंड आ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट होगा, बटरफ्लाई सकिंग मोथ, जो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेस्टेड रीजन ऑन बार्क टर्न्स इंटू पिंक कलर एंड पिंक कलर एंड क्रस्टेशन ऑन एप्पल फ्रूट्स आर द करेक्टरिस्टिक्स डैमेज सिम्टम्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन का जल्दी से आप सभी लोग आंसर करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
एप्पल उली एफिड या सैन जोस स्केल, एप्पल स्टेम बोरर या लीफ वेवर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर यहाँ पर। तो 29 का जो आंसर है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच पेस्ट ऑफ पटैटो अटैक्स द ट्यूबर बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज। हाँ बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर, 29 का आंसर आप सभी लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे सही किया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप सभी लोग करें यहाँ पर, यानी कि कौन सा पेस्ट है जो कि पोटैटो अटैक्स में क्या करता है, ट्यूबर पोटैटो अटैक्स द ट्यूबर बोथ, कहाँ फील्ड और स्टोरेज दोनों में। अगर हम फील्ड पे भी वो अटैक करेगा और स्टोरेज जब करते हैं तब भी अटैक करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे जल्दी से बताएं, ऑप्शन आ रहा है सेकंड थर्ड। तो चलिए आंसर कर लेते हैं कि क्या होगा। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, पोटैटो ट्यूबर मोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग लार्वल पैरासिटॉइड कैलोनस ब्लैक बर्नी इज यूज टू चेक द पॉपुलेशन ऑफ। ये जो है किसकी पॉपुलेशन को चेक करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जल्दी से आप सभी लोग आंसर करें। तो 31 का आंसर यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आप सभी का वो होगा ऑप्शन सेकंड जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड 32, माइनिंग एंड स्केल्टनाइजेशन ऑफ कैबेज लीव्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स डैमेज सिम्टम्स ऑफ माइनिंग। और आपका जो है स्केल्टनाइजेशन ऑफ कैबेज लीव्स में, यानी कि कैबेज लीव्स में ये जो माइनिंग और स्केल्टनाइजेशन होता है आर द कैरेक्टरिस्टिक डैमेज सिम्टम्स ऑफ किसके, यानी कि ये गुण होते हैं उसके जो है डैमेज सिम्टम्स के। तो आंसर आ रहा है यहाँ पे सेकेंड। ओके फर्स्ट आ रहा है सेकंड आ रहा है आंसर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर, सभी का आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, बीटी कैबेज इज डेवलप्ड अगेंस्ट, बीटी कैबेज जो होती है वो डेवलप्ड होती है किसके अगेंस्ट में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे फास्ट कौन कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आप सभी लोग करें क्या होगा यहाँ पर आंसर इसका, बीटी कैबेज इज डेवलप्ड अगेंस्ट डायमंड बैक मोथ या फिर कैबेज बटरफ्लाइज एफिड या फिर पेंटेड बग। आंसर आ रहा है मैत्री सोलंकी फर्स्ट, अंकिता फोर्थ, अर्पिता फर्स्ट। चलिए आंसर करते हैं। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल सुधा आपका भी आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर, ग्यूमोनोसिस एंड क्राउन टॉपिंग इन कोकोनट आर ड्यू टू, ग्यूमोनोसिस एंड क्राउन टॉपिंग इन कोकोनट आर ड्यू टू, ये जो है दोनों किसकी वजह से होते हैं कोकोनट में। आंसर आ रहा है ऑप्शन सेकंड। तो चलिए देखते हैं आंसर, सुधा ने सबसे पहले आंसर किया है तो आप सब लोग आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं और आंसर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट इज एन इंट्रोड्यूस्ड पेस्ट ऑफ कॉफ़ी, निम्नलिखित में से वो कौन सा पेस्ट है जो कि कॉफ़ी में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 31st क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आंसर आपको करना है जल्दी से आंसर करें। तो आंसर आ रहा है थर्ड, ओके स्टेम बोरर आंसर आ रहा है, ओके कॉफ़ी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आंसर इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सेकंड होगा, बेरी बोरर, बेरी बोरर इज अ राइट आंसर यहाँ पर होगा यहाँ पर सेकंड आंसर। मैत्री अर्पिता आप सभी का आंसर सही है, अंकिता ने थर्ड को मार्क किया, कोई बात नहीं। अब आंसर जो है आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन सेकंड होगा, यानी कि बेरी बोरर। तो आज के 35 क्वेश्चन उनके ये आंसर हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाके आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, जाके एग्ज़ाम गुरु के नाम से है वो टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं अपलोड कर देता हूं पीडीएफ फाइल को, वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन के आंसर हैं,
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 35 क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आई होप आप सभी को जो है सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल शाम के 7 बजे फिर से। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।